Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn EVS 6th lesson. Seed becomes plant. We know the tree grows from seed. First seed we put in the soil and give water, it will become grow and become plant, and then it flowered and then again get seeds, and this process is going on. In this lesson we are going to learn about trees and plants and seeds. Okay. Some food items are given below in the table. In first page number 29, there are some food items. You try to find which part of the plant we use as our food. Rice. You know which part of the rice we have to use as food? It's seed. And apple, fruit, carrot, root, bajra, seeds, radish. Radish, the spelling is not correct. R-E-D-I-S-H in book, you have to change it. R-A-D-I-S-H, radish. Okay. Radish is also root. And onion, onion is also root. Okay. We already learned about this. Just revise. Germination of seeds. In this lesson, we are going to see germination of seeds. Beej kaise ugte hai? Germination means beej ugne ko germination bolte hai. On the festival of Bagbaras, Gudi's mother tied the wet moong, moth and the chane in a cotton cloth. Next day morning when they opened this cloth, then Gudi asked her mother. Jo festival ke ek din pahle, Gudi ka mummy ne moong ka sabut, jo seeds, chana ase, जो जो बीज मिलते हैं वो पानी में थोड़ा भिगो के गीला कपड़े में बांध के रखा था. नेक्स्ट डे दे ओपन इट एंड गुडी आस्क्ड हर मम्मी, व्हाट आर दिस वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम मूंग. एक दिन ऐसे गीला कपड़े में बांध के रखो, अगला दिन खोल के देखो, थोड़ा वाइट कलर का थोड़ा दागा जैसा उसमें से मूंग में से निकलते हैं, ये हम देख सकते हैं. गुडी ने पूछा ये क्या है. इट इज रूट डियर फ्रॉम इट्स सैपलिंग विल कम आउट. ये वाइट वाइट जो निकलते हैं वो क्या चीज़ है? उसका रूट है, जड़ है. जो बीज उगते हैं तब सबसे पहले इसका जड़ बाहर आ जाते हैं, रूट. इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जो उगने के लिए, बीज उगने के लिए शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका छोटा सा एक ऐसा बाहर आ जाता है वाइट कलर का, ये रूट है जो पौधे का. आप भी ऐसे घर पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, ये हम कर सकते हैं. करके देखना क्या है, मूंग या चना कुछ भी ऐसे बीज गीला कपड़े में थोड़ा टाइम पानी में डाल के भिगो के रखना, फिर वो गीला कपड़े में बांध के रखना. अगला दिन निकाल के देखो तब पता चलेगा मूंग कैसे उगते हैं, मूंग चना ऐसा बीज कैसे उगते हैं. उसमें से छोटा छोटा वाइट कलर का थोड़ा भाग बाहर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन. जी बीज उगने लग जाते हैं, मतलब इसके अंदर
हर बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा सो रहा है, हर बीज के अंदर छोटा सा पौधा सो रहा है। जब उसको पानी और ऑक्सीजन सब सही समय पर मिलते हैं तब ये पौधा उगने लग जाते हैं। पौधा जब सोते सोते वहाँ से उसको बाहर आने के लिए कॉल आ जाता है, बुलावा आ जाता है, तब धीरे से अपना सिर उगा खड़े होकर देखने के लिए ये स्टार्ट करते हैं। ये है जर्मिनेशन। समझ में आया? हाँ, हर बीज में छोटा सा पौधा सो रहा है, वो सोने से उसका नींद छोड़ के वो बाहर आ जाते हैं, तब वो उगते हैं। टेक ए बाउल एंड पुट सम सीड्स ऑफ मूंग और चना और मोथ इन इट। एनी बीज, कोई सा भी बीज डाल के देखो। फिल इन ए बाउल विद वाटर, एक बाउल निकालना, उसमें कुछ बीज डालना, पानी डालना। पुट ए बेड क्लॉथ इन अनदर बाउल एंड थ्रू सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम मोथ इन इट एंड कवर दिस सीड्स विद अ बेड क्लॉथ। दूसरे में गीला कपड़ा करके उसमें कुछ बीज डालना। पुट सम सीड्स ऑफ मूंग ग्राम और मोथ इन थर्ड बाउल, तीसरा बाउल में भी ऐसे कैसे कुछ डालना। राइट द कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री बाउल्स डेली इन योर कॉपी। रोज इसको चेक करना, पहला बाउल में कैसे, दूसरा बाउल में कैसे, तीसरा बाउल में कैसे कैसे, ये जो डिफरेंस होता है बुक में ऐसे टेबल दे रखा है 30 पेज में। फर्स्ट डे में, फर्स्ट बाउल में कैसा था, सेकंड बाउल में कैसा था, थर्ड बाउल में कैसा था, ऐसे देखना। सेकंड डे में ऐसे देखना, थर्ड में देखना, फोर्थ डे में देखना, तब आपको पता चलेगा जर्मिनेशन कैसे होते हैं। और अगर क्लास अपना प्रॉपर क्लास चलते हैं तो हम क्लास में ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं सब एक साथ, लेकिन अभी इसके लिए टाइम नहीं अपने पास, इसलिए अपने अपने घर पे खुद करके देखो, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें और कुछ क्वेश्चंस भी दे रखा है, इसका आंसर भी हम निकालेंगे। ऑब्जर्व ऑन द राइट, यू हैव सीन द सैपलिंग ऑफ जार इन द टेम्पल्स एंड द हाउसेस इन द डेज ऑफ नवरात्र। नवरात्र के समय में ज्वार का बीज उगाते हैं, हम देखा है छोटा छोटा पौधा उगे मंदिर में, ऐसे घर पे भी करते हैं। पुट सम डिफरेंट सीड्स इन ट्रांसपेरेंट पॉट, अगर ग्लास वाला बोतल वगैरह कांच वाला उसमें डालो, उसमें हमको बाहर से भी देख सकते हैं। विद सम सोयल ऑब्जर्व द चेंजेस ओकर इन दम, विच चेंजेस यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डिस्कस विद द डिस्कस एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके, ये भी लिखने के लिए अपने पास से ये सारे पीडीएफ बना के आपको भेजेंगे। प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, अभी हमने देखा बीज उगेगा तब पौधा आ जाता है उसमें से, अभी बिना बीज भी पौधा उगते हैं वो हम देखेंगे। यू हैव सीन द जर्मिनेशन ऑफ पोटैटोस इन योर होम इन रेनी सीजन। पोटैटोस ऐसे रेनी सीजन में नीचे वैसे कैसे रखना, वो अपने आप उसमें से छोटा छोटा पौधा उगने लग जाते हैं। इफ यू सो सम ऑफ सम इन पॉट सोइल देन द न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो विल कम आउट, अगर उसमें से हम कुछ मिट्टी में लगा दो वो पौधा आ जाएगा उसमें से। सिमिलरली इफ यू सो द लीफ ऑफ पत्रचट्टा देन न्यू प्लांट विल कम आउट, ऐसा एक लीफ है उसका एक पौधा है, उसका पत्ती तोड़ के मिट्टी में डालो उसमें से न्यू प्लांट उग जाता है। कौन सा पौधा है? पदरचट्टा।
कौन सा है? पत्थर चट्टा। पिक्चर में दे रखा है, पेज नंबर 32 में, पोटैटो। पोटैटो का पोटैटो में से नया पौधा उगते हैं और पत्थर चट्टा में से नया पौधा उगते हैं। पत्ती तोड़ तोड़ के मिट्टी में डालो, अपने आप उसमें से जड़ा जाते हैं, नया पौधा उग जाते हैं। ऑब्जर्व द प्लांट्स फ्रॉम योर नियर बाई एटमोसफियर एंड डिस्कस दैट विच प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड। अपना आसपास जो है पौधा उसमें देख लो कौन सा पौधा बिना बीज उगते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट दे ग्रो, एक एक पौधे को अभी ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश करो। जो जो पौधा अपना आसपास मिलते हैं, कौन सा पौधे में बीज से नया पौधा उगते हैं, कौन से में बिना बीज पौधा उगते हैं, ऐसे हम थोड़ा ऑब्जर्व करके थोड़ा रिसर्च करने के लिए कोशिश करो। हरका पुश्ड द ब्रांच ऑफ मिंट विद रूट्स इन द मॉइस्ट सोयल ऑफ कोर्टयार्ड। After some time, a lot of mint was produced. थोड़ा सा मिंट का एक पौधे का हिसाब, और इसका रूट भी था छोटा सा, एक ऐसे ऐसे कैसे फेंक दिया मिट्टी में। कुछ दिनों के बाद बहुत सारा मिंट का पौधा उग गया। मिंट अपने घर पे भी हम बनाते हैं। कौन से मिंट? पुदीना। पुदीना हम यूज़ करते हैं चाय में डालने के लिए यूज़ करते हैं, और रायते में डालते हैं, अच्छा यूज़ करते हैं पुदीना, वो ये मिंट। एट मीना हाउस मनी प्लांट वॉज प्लांटेड इन वाटर बॉटल। हाँ, और कहीं घर पे हम देखते हैं मनी प्लांट, मनी प्लांट उसमें कुछ फूल नहीं है, फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे पत्तियाँ बस, वो कैसे? कभी कभी पानी बोतल में पानी डालो, उसमें लगा दो, ऐसे कैसे उग जाते हैं। और थोड़ा सा मनी प्लांट का ऐसा तोड़ के डालो, मिट्टी में डालो, उग जाते हैं। और वाटर डाल के बोतल में डालो, वहाँ भी उग जाते हैं। मीन हर का आस, हाउ कैन वी प्लांट दिस, ये कैसे लगा दिया पूछा था। मीना रिप्लाइड दैट इफ यू पुट ए रूटेड डांस इन द वाटर बॉटल और सोयल ऑफ पॉट देन न्यू प्लांट विल ग्रो अप। मनी प्लांट कैसे भी तोड़ के मिट्टी में डालो, पानी में डालो, कैसे भी वो उग जाता है नया पौधा। नाउ ट्राई टू नो दैट विच पार्ट ऑफ प्लांट बिकम न्यू प्लांट। अभी 32 पेज में कुछ प्लांट का नेम दिया रखा है, उसका कौन सा भाग में से नया पौधा उगते हैं ये भी दे रखा है। पोटैटो, पोटैटो का स्टेम से उगते हैं नया पौधा। मनी प्लांट, मनी प्लांट भी इसका स्टेम है। मिंड, मिंड रूट से नया पौधा उगते हैं। रोज, रोज का पौधा, गुलाब का पौधा, वो भी स्टेम से उगते हैं। जैस्मिन, जैस्मिन भी स्टेम है। और पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा लीफ से उगते हैं। हाउ कैन वी रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम स्टेम कटिंग, ये स्टेम ऐसे काट काट के कैसे उसमें से नया पौधा उगाते हम इसमें देखेंगे इसका आंसर। राइट द नेम ऑफ प्लांट विच कैन रिप्रोड्यूस बाई लीफ, लीफ से कौन सा पौधा अपना नया पौधे को उगाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी ट्राई करके देख लो। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, अभी हमने देखा बीज कैसे उगते हैं, नया पौधा कैसे आ जाता है, क्या क्या कंडीशन में नया पौधा आ जाता है, कौन सा पौधे से बीज से उगते हैं और स्टेम से उगते हैं, लीफ से उगते हैं नया पौधा, ये हमने देख लिए। अभी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, पेड़ एक जगह में खड़े होते हैं, उसमें एक पेड़ में बहुत ज़्यादा बीज आते हैं, ये बीज कैसे डिस्पर्स करते हैं, अलग अलग जगह में जो वितरण कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे। मीना सो ए प्लांट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टम्बल,
She thought, who planted it here? ये मंदिर का दीवार पे एक पीपल का पौधा देखा. उसने सोचा यहाँ किसने ये लगा दिया. मीना आस्क्ड हर फादर अबाउट इट. फादर रिप्लाइड दैट सम बर्ड्स सोर पीजन थ्रू सम सीड्स हियर. जो जो फल लाते हैं पेड़ में फल लाते हैं चिड़िया खा जाते हैं. ये चिड़िया खाने के बाद इसका बीज इधर उधर चले जाते हैं. जहाँ गिर जाते हैं वहाँ उगने लग जाते हैं. सिमिलरली सीड्स आर डिस्पेस्ड बाई वेरियस एजेंट्स आस विंड वाटर एनिमल्स एंड एक्सप्लोशन. कैसे बीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? हवा से. हवा में उड़के उड़के कई पौधे का बीज चलते हैं. हम देखा है हाँ वो अलग अलग जगह में जाके गिरेंगे वहाँ उगेंगे. और वाटर पानी में भी कुछ बीज बहके बहके जाते हैं अलग अलग जगह में. और एनिमल्स एनिमल्स एंड बर्ड्स जानवर भी बीज खा के फल खा के दूसरे जगह में इसका बीज को छोड़ देते हैं. और एक्सप्लोशन कुछ पौधे में बीज ऐसे सूख जाएगा तो ऐसे कैसे एक्सप्लोड होता है तब ये दूर दूर जगह में फैल जाते हैं वहाँ उग जाते हैं. At which place you saw the growing plants except earth? Earth के अलावा कहीं में आपने पौधा उगने का देखा है क्या? Many people travel from one country to another for trading. बहुत लोग एक देश से दूसरे देश में ऐसे चले जाते हैं किस लिए? ट्रेडिंग के लिए, जो व्यापार करने के लिए. They take many animals and plants with them from one place to another. एक एक जगह से दूसरे जगह में जाते हैं. उस जगह में जो मिलते हैं वहाँ से लेके अगले जगह में जाते हैं. ऐसे हम भी जाते हैं कुछ नया प्लेस में जाएगा तो कुछ नया पौधा मिल जाएगा तो हम भी उसमें से थोड़ के हमारा जगह में लेके जाते हैं. उसी तरह सब लोग करते हैं. द प्लांट्स गिवन बिलो आर द प्लांट्स विच बोर्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज टू आवर कंट्री. दूसरा देश से ऐसे पौधा वगैरह कई प्लांट्स अपने देश में भी आ गए. नो अबाउट द पेरेंटिंग कंट्री ऑफ प्लांट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल. टी टी अपना देश में है. अभी अपने देश में खूब सारा टी है. चाय चाय का पौधा. ये चाय का पौधा अपना नहीं था. अपना देश में पहले नहीं था. वो चाइना से आया. और कॉफ़ी कॉफ़ी अफ्रीका से लाया. और लेडी फिंगर वो भी अफ्रीका से आया. कॉलीफ्लावर यूरोप. पीस यूरोप. ऐसे और भी पौधा है दूसरा देश से अपना देश में आया. द इंग्लिश मैन हु लिव्ड इन इंडिया बोट द लांडाना प्लांट फ्रॉम साउथ अमेरिका टू ए गार्डन ऑफ कलकत्ता. कलकत्ता से अमेरिका से एक कलकत्ता में ऐसे एक लांडाना प्लांट वो इंग्लिश एक अंग्रेजी लेके आया. वन इंग्लिश ऑफिसर टुक यूकालिप्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड दम इन द हिल्स ऑफ नीलगिरी तमिलनाडु. एक अंग्रेजी ने यूकालिप्स लाया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से. एंड उसको कहाँ लगा दिया? तमिलनाडु में नीलगिरी में. यूकालिप्स ऐसे बहुत सारा अपना देश में आ गया. उसी तरह अमेरिका से लांडाना प्लांट लाया और कलकत्ता में लगाया. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आस नीलगिरी. यूकालिप्स प्लांट्स को नीलगिरी भी कहलाते हैं. इंडिया बोर्ड वीट फ्रॉम अमेरिका विच दिस वीट जागर ग्रास also come from unwantedly spread all over India. ऐसा ये पौधा अमेरिका से ऐसा आया वीट के साथ गाजर का घास. वो ऐसे वीड होते वीड्स होता है. ये अनवांटेड प्लांट है. हमको उसका कुछ ज़रूरत नहीं है लेकिन वो भी
जब गेहूं लाया, गेहूं के साथ साथ ये भी आ गया, अभी हर जगह में ये फैल गया है, हर जगह में फालतू में उसका कुछ कोई पानी डालने का जरूरत नहीं, बीज डालने का जरूरत नहीं, ऐसे कैसे उग जाते हैं, हम उसको तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, अभी रोड के साइड में भी अपने आप उगते हैं। फेस ए वर्ल्ड मैप इन यूर कॉपी एंड मार्क डिफरेंट कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स इन इट, अलग अलग कॉन्टिनेंट का पिक्चर अपना नोटबुक में चिपकाना, राइट दैट फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट विच फूड आर्टिकल हैज बॉट टू आवर कंट्री, फूड आर्टिकल का पिक्चर अभी देखा था, टी, कॉफ़ी, लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर, पीस, ऐसा चीज उनका पिक्चर चिपकाना, फिर कौन सा कॉन्टिनेंट से ये आया वो भी नोटबुक में चिपकाना। यूकालिप्स, लांडाना एंड गाजर खास गाजर ग्रास, ये सारे पिक्चर बुक में दे रखा है, समझना। लांडाना वैसे जंगली पौधा मानते हैं, लेकिन जो अच्छे से इसको थोड़ा संभाल कर रखो बिल्कुल सुंदर लगता है कोई, लेकिन कई जगह में मैंने देखा ये संभाल के रखता है अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना के, ये लांडाना बिल्कुल रंग बिरंगे फूल होता है उसमें, ये बिल्कुल अच्छा है, लेकिन कई जगह में ये जंगली समझ के ऐसे भी उगते हैं। विच फॉरेन प्लांट्स हैव यू सीन इन योर नियर बाय, आप अपना आसपास कोई जंगल फॉरेन प्लांट देखा हो तो ये कौन से हैं। द जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स, रीड अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, अगर आपको मिल जाएगा तो ये जर्नी ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स ये बुक पढ़ने के लिए कोशिश करना, तब मिले उसमें से बहुत सारा जानकारी हमको मिल जाएगा। ओके और कलेक्ट सम सीड्स यू हैव, कितना पौधे का बीज कलेक्ट कर सकता है, कलेक्ट करके रखना अपने अपने घर पे रखना। अभी तो हमको ये इसके डिस्कस करने के लिए अपने पास सुविधा नहीं है, जब स्कूल खुल जाएगा तो हम तब लाएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये कौन सा बीज है, कैसे निकाल दिया है, कैसे उगाएंगे, ये हम देख सकते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, पौधा कहाँ से उगते हैं, बीज में से उगते हैं और रूट में से उगते हैं और पत्ती में से उगते हैं। सीड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फूड, हम अपना फूड में बीज बहुत यूज़ करते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस दीज सीड्स कैन बी जर्मिनेटेड, सीड्स कैसे उगते हैं उसको सही समय पर सही तरीक़ा से मिट्टी, पानी और सूरज का रोशनी ये सारे एक साथ मिल जाएगा तो तब बीज उग जाता है। ओके, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टेक प्लेस इन स्पेशल कंडीशन, सम प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट सीड, सीड्स आर डिस्पेस्ड बाय वेरियस मीन्स, विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, ऐसे अलग अलग तरीके से सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, रीड द लेसन वेरी केयरफुली, देर इज नॉट मच न्यू वर्ड्स इन इट, यू रीड द लेसन एंड यू हैव यू डोंट नो विच वर्ड का स्पेलिंग लर्न नहीं है, ऐसा वर्ड को अंडरलाइन करके इसको लर्न करने के लिए कोशिश करना, रीड द लेसन carefully and I will send you the PDF also and write in your notebook and learn. Okay, thank you.